हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपको मालूम है कि कोई स्किन डिजीज होता है और हमारा जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आपको ये वीडियो में बताने वाले हूँ कि जो स्किन डिजीज से हमको आर्थराइटिस हो जाता है और ये स्किन डिजीज सप्रेस होने से हमको आर्थराइटिस हो जाता है। ये रोग का नाम है सोरिक आर्थराइटिस या सोरोटिक आर्थराइटिस। जैसे हमको मालूम है कि जिसे हमारा शरीर में जो स्किन डिजीज होता है जिसको सोरियासिस बोलते हैं, इसके लिए मैंने आगे वीडियो बताया हुआ है, इसके साथ मैंने लिंक भी रखा है, तो आप ये सोरियासिस के लिए जो ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये सोरियासिस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाके आप सोरियासिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर आज का वीडियो में हम सोरियाटिक्स आर्थराइटिस या सोरायसिस आर्थराइटिस, सोरो आर्थराइटिस भी बोलते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं और सोरिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये सोरायसिस और आर्थराइटिस, तो सोरायसिस मतलब सोरियासिस स्किन डिजीज एंड आर्थराइटिस, ये दोनों मिक्स होते हो जो हुए जो रोग का डायग्नोसिस होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस कैसे होता है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या मैनेजमेंट है और होम्योपैथिक कौन सा मेडिसिन है, इसके बारे में ये वीडियो में बताएंगे। मित्रों, जब सोरायसिस होता है इज़ अ ऑटोइम्यून डिजीज़, हमारा जो शरीर में जो ऐसे सेल उत्पन्न हो जाता है तो जो शरीर की स्किन का जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी वजह से जो हमारा शरीर की जो स्किन है ये रफ़ हो जाती है, इसमें से ड्राई स्केली खुलता है, क्रैकनेस हो जाता है और ये बार बार हो जाता है, क्योंकि इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हमारा ब्लड फैक्टर में HLA-B27 नाम का जो फैक्टर ज़्यादा होता है, तो ये धीरे 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 हमारा जो ये शरीर में जो प्रोटीन लेवल होता है बढ़ता है और हमारा शरीर में जो जॉइंट में साइनोवेल फ्लूइड्स है और जो जॉइंट के लिगामेंट है इसमें स्टिफनेस आ जाती है और इसकी वजह से जो रोग होता है उसको सोरिक आर्थराइटिस बोलता है। जिन लोगों को क्रॉनिक सोरायसिस होता है, लंबे टाइम से जो जिसको क्रॉनिक सोरायसिस होता है और सोरायसिस सप्रेस ज़्यादातर करते हैं तो ये सोरिक आर्थराइटिस होने का चांसेस रहता है। तो जिन लोगों को पेरिफल सोरियासिस होता है और पेरिफल मीन्स जॉइंट पर, जहाँ जॉइंट होता है मेनली सोरायसिस जॉइंट पर ही होता है और ये जॉइंट पर उसका जो कोश होता है धीरे 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 हमारा जॉइंट्स में चला जाता है तो जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग भी आ जाता है और इरिटेशन भी होता है, इसकी वजह से हमारा जॉइंट इन्फ्लेम होता है, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलता है। तो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस का क्या साइन एंड सिम्टम्स है, तो पहले तो ये जो हमारा जो जॉइंट्स में सूजन आ जाता है, पेन आता है, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है, दर्दी को घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, एक जात का तनाव भी आता है, उसको सोरायसिस कई बार मिट भी जाता है जो जॉइंट पर हुआ हो, पर कई बार नहीं भी मिटता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो सोरायसिस भी होता है, इसके साथ जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है तो दर्दी को हाथ पैर मूवमेंट्स करना भी मुश्किल हो जाता है, सेम जो स्मॉल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है तो गाउट में भी हो सकता है, आर्थराइटिस में हो सकता है। पर कई बार हम पर दर्दी को पूछते हैं कि आपको को फ्यूचर में कोई सोरायसिस का रोग का मामला हुआ था या सप्रेस किया था, तो कई बार दर्दी ऐसा हमको हिस्ट्री देता है कि हाँ मेरे को सोरायसिस का प्रॉब्लम हुआ था, सोरायसिस तो मेरा लगभग मिट गया पर बाद में मेरे को ये जो आर्थराइटिस होता है तो उसको सोरोटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो कई बार ये आधुनिक साइंस में तो उसको इनक्योरेबल माना जाता है, पर ऐसी बात नहीं है, होम्योपैथिक में 2 से 3 साल तक जो सोरायसिस या सोरो आर्थराइटिस की दवा लेते हैं तो उसको जड़ मुड़ के फाड़ के मिटा देता है। मित्रों, मेरा ये 35 साल की होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मैंने अभी तक 1.5 लाख पेशेंट देखे हैं, इसमें आर्थराइटिस के लगभग 6 से 7% डिजीज जो रोग है क्योरिंग किया है और इसके साथ सोरो आर्थराइटिस या आर्थराइटिस वाले दर्दी होता है उसको भी मैंने क्योर किया है और अच्छी तरह वो मिट गया है। मित्रों, जो सोरिक आर्थराइटिस होता है तो इसमें 2 तरह के होते हैं, ये पोलीसोरी आर्थराइटिस मीन सारा शरीर में जहाँ जॉइंट होता है वहीं होता है, दोनों हाथ पैर में सेम होता है, सपोज हाथ में होता है तो
दूसरे हाथ में होता है, जैसे खब्बे में होता है तो दूसरे खब्बे में होता है, उसको पोली आर्थराइटिस, सोरिक आर्थराइटिस बोला जाता है। कई बार ओलिगो सोरिक आर्थराइटिस भी होता है, कई बार एक ही अंग में होता है, कई बार राइट रिस्ट जॉइंट में होता है, लेग्स एंकल में होता है, पीठ में होता है, कमर में होता है, कई बार गर्दन के पार्ट में होता है, कई बार बगल के पार्ट में होता है, और कई बार हमारा एंकल पार्ट में या नी पार्ट में भी ये सोरिक का आर्थराइटिस होने का संभावना रहती है। कई बार वेट वेदर होता है तो ये सोरिक आर्थराइटिस बढ़ जाता है, और कई बार ये 2 से 3% हेरिडिटरी चेन भी फैक्टर होता है, कई बार फूड से भी हमारा वो एग्रावेट होता है, कई बार सावर फूड से भी ये टेम्पररी एग्रावेशंस होता है। तो ऐसे दर्दों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो खटाई चीज़ जो भी है, साइट्रेट फूड है या दही है या छाछ है या जो फर्मेंटेशन फूड्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। कई बार विरुद्ध आहार लेने से भी हो जाता है, कई बार मछली और मिल्क मिक्स करके लेते हैं, कई बार आपने पंजाबी फूड लेते हैं या चाइनीज़ फूड लेते हैं तो इसमें भी ये विरुद्ध आहार होता है, और विरुद्ध आहार की वजह से भी सोरियासिस और सोरोटिक आर्थराइटिस या एलर्जिक सोरोटिक आर्थराइटिस होने का संभावना रहता है। कई बार वेदर परफॉर्म्स होता है, कई बार कोल्ड सीजन में या रेनी सीजन में भी सोरोटिक आर्थराइटिस बढ़ने का संभावना रहता है। तो इसमें होम्योपैथिक में इसके मास्टर ड्रग्स है, तो इसके लिए आप हल्दी का प्रयोग कर दो, सबसे अच्छा है। हल्दी में हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इंटरनल भी लगाओ और एक्सटर्नल भी, कई केसों में हमने देखा है कि जो हल्दी का जो प्रॉपर्टी है ये एक्सटर्नल लगाने से भी दर्दी को ठीक रहता है। तो जैसे आपको सोरोटिक आर्थराइटिस में है, हल्दी इंटरनल भी आप आधी चम्मच ले सकते हो और एक्सटर्नल भी उसका पेस्ट लगा के रखोगे तो स्वेलिंग में जो स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ जाता है जॉइंट्स में ये आएगा नहीं और मूवमेंट्स आपको अच्छी तरह रहेगा। मित्रों आगे आपको जो भी है वेदर से आपका जॉइंट्स को बचाने का है, जब भी वेदर ठंडी हो जाए और जब भी क्लाउडी वेदर हो जाए फुल स्लीप पहनो, पंखा के नीचे मत रहो, कई बार पंखा का हवा की वजह से आपका शरीर में स्टिफनेस आता है, ये सोरिक की वजह से स्किन में भी तनाव आता है पर जॉइंट में भी तनाव आता है, तो दर्दी को एक जात का डिप्रेशन हो जाता है, मैलेज हो जाता है, बेचैनी हो जाता है। तो ऐसे दर्दियों में क्या खाना चाहिए, तो ऐसे दर्दियों में आप ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लो, कई बार B12 की कमी के वजह से हो सकता है तो मिल्क प्रोडक्ट लेने का है। मिल्क प्रोडक्ट में दही छाछ आपको वर्ज्य वर्ज्य है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ज़्यादा तरफ जो प्रोटीन फूड है वो कम खाना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये करने से आपका जो जो शरीर में वात प्रकृति कम होएगी, तो ये वात जो आपका शरीर में आता है ड्यू टू द सोरायसिस, तो ये वात को बैलेंस करेगा और तुम्हारा शरीर को ठीक कर सकता है। मित्रों इसमें होम्योपैथिक में 5 मास्टर ड्रग्स है, ये आप सोरो आर्थराइटिस में दोनों में काम करता है, सोरायसिस भी मटाता है और आपको आर्थराइटिस मटाता है। तो सबसे पहले जो दवा है रस्टॉक्स, ये रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में लेने का है, जब भी क्लाउडी वेदर हो जाए और स्टीफ हो जाए, जब भी क्लाउडी वेदर हो जाए और रेनी वेदर हो जाए तब आपको ये दवा मोस्ट उपयोगी है, तब आपको शरीर में एक तनाव आ जाता है, खींचाव आ जाता है और जॉइंट में इन्फ्लेम हो जाता है, सूजन आ जाता है, दर्दी को मूवमेंट्स करना भी मुश्किल हो जाए, सोरो आर्थराइटिस का अटैक आ जाए, तभी रेनी सीजन में, तो यही दवा बहुत उपयोगी है। ये दवा आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने का है, पर्टिकुलरली मानसून ऋतु में। तो ये मानसून ऋतु में जब भी आपको सोरोटिक आर्थराइटिस हो तो ये जो अमुक दवाएँ है रस्टॉक्स नाम की दवा। दूसरा नंबर की दवा है पेट्रोलियम, कई बार कोल्ड सीजन में भी हमारा शरीर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है और सोरायसिस एकदम ब्रेकआउट हो जाता है और जॉइंट में मूवमेंट्स करने में मुश्किल हो जाता है, क्रैक हो जाता है, इसमें कटकट आवाज आता है, तो आप पेट्रोलियम दवा है 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं। जेली लगाने से तुम्हारे जो एक्सटर्नल क्रैकनेस आई हुई है तो ये पेट्रोलियम होम्योपैथिक जेली से आपका जो स्किन स्मूथ हो जाएगा और ये आपको ड्राइनेस फील नहीं करेगा। थर्ड नंबर की दवा है आर्सेनिक अमाउडेटम, जिन लोगों को सारा शरीर में इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में हो गया हो, कमर में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो या छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द हो, स्वेलिंग आ गया हो, रेडनेस आ गई हो, स्वेलिंग लगे, दर्दी को थोड़ा भी मूवमेंट्स करे और पेनफुल हो जाए, तो आर्सेनिक अमाउडेटम दवा 30 पोटेंसी में लेने का है। ये दवा मास्टर ड्रग्स है, कई बार पोली आर्थराइटिस में ये दवा बहुत उपयोगी काम करता है, एक से ज़्यादा अंगों में जो इसमें दुखावा हो और इन्फ्लेमेशन हो तो आर्सेनिक अमाउडेटम दवा यू टेक। तो ये आर्सेनिक अमाउडेटम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना आपको दवा लेने का है। चौथा नंबर की दवा है ब्रायोनिया, ये ब्रायोनिया आपको शरीर में ड्राइनेस रहे और इसमें से केली फॉर्म निकले, दर्दी को
खुराक पचाने में बहुत तकलीफ़ हो जाए, पेट खाने के बाद पत्थर जितना हो जाए, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हेडेक हो जाए, कई बार थोड़ा भी सनलाइट में निकले और हेडेक हो जाए, ब्लड प्रेशर शूट अप करे, आपको चेस्ट पेन लगे, शरीर में दुखावा लगे, और आपको जब ड्राइनेस फील करे, तब ब्रायोन या 30 पोटेंसी इज़ अ मास्टर ड्रग्स। 30 पोटेंसी में लेने का है, 2 से 3 महीना चालू रखने का है। ये दवा लेने से आपको लंबे टाइम में ये आपको सोरो आर्थराइटिस या सोरासिस में काम कर सकता है। कई बार मित्रों मैंने देखा है कि जिन लोगों को गोनोरिया हुआ है और उसके बाद गोनोरियल आर्थराइटिस हो जाता है, इसमें जो हमारी होम्योपैथिक में दवा है मेडोरिनम, ये मेडोरिनम भी पोली आर्थराइटिस है और सारा शरीर का जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ गया हो, और दर्दी बोलता है कि मेरे को पास्ट में सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं, ये कोई पर्स के संबंध में आने के बाद ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, ये सप्रेस होने के बाद भी पोली आर्थराइटिस होता है, तो मेडोरिनम 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में एक ही बार लेने का है। तो ऐसे दवा मैंने आपको जो बताया है 5 दवा, ये 5 दवा आपका जो इंडिकेशन है प्रमाण है आप लोगे तो शॉर्ट आपको आर्थराइटिस या सोरोटिक आर्थराइटिस या सोरियासिस आर्थराइटिस या पोली आर्थराइटिस या ओलिगोसोरिक पोली आर्थराइटिस होएगा तो ये क्योर हो सकता है। मित्रों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।